इजी तो बिल्कुल नहीं रहेगा अनलेस वो गैस कटिंग मशीन लाके इसको काट कूट ना दे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में करना चाहता हूँ थोड़ी सी चर्चा। आप पीछे हमारी माइटी बिल्लू देख ही सकते हो। अब तक आपने इसकी टायर रिप्लेसमेंट, एलॉयस पेंट, बॉडी किट, रैप, जो भी कुछ काम किया उस सारी वीडियोस को देख ही लिया होगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं कर रहा हूँ अपनी कार की छोटी मोटी सी प्रिपरेशन, और उस छोटी मोटी प्रिपरेशन के अंदर लगने वाले हैं बड़े बड़े खर्चे। आगे आने वाले समय के अंदर भी जो भी मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा वो होगा समहाउ कुछ सिक्योरिटी को लेकर, कुछ लायबिलिटी को लेकर। ये जो इशू है ये ऑलमोस्ट हर एक उस कार वाले इंसान का हो सकता है जो परेशान है अपनी कार को बाहर खड़ी करके। रात को चाहे वो अपनी कार को बाहर खड़ी करता हो या फिर वो किसी अननोन प्लेस पर अपनी कार खड़ी करके चला जाता हो और वापसी आता हो तो उसे अपनी कार के एलॉयज ही ना मिलते हो। ये मुझे काफी वक्त से मेरे दिमाग में क्लिक करता रहता था। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने भी इस इशू को लेके आता हूँ। ऐसे 70% से ज्यादा लोग होंगे जिनके पास अपनी प्रॉपर पार्किंग नहीं है। आज ये जो वीडियो है प्रॉपरली उन्हीं लोगों के ऊपर है, और खासकर उन लोगों के ऊपर है जो प्यार करते हैं अपनी कार से और उसके अंदर लगाते हैं प्यारे प्यारे से टायर्स या एलॉयज, या उन्हें अपग्रेड करते हैं, या फिर कभी कभी परेशान रहते हैं कि महंगी महंगी हाई एंड गाड़ियों के या अच्छी कारों के कैसे एलॉयज या टायर्स या टॉप मॉडल गाड़ियों के कैसे टायर्स एलॉयज चोरी हो जाते हैं। मोस्टली क्या रहता है कि कोई भी इंसान बेस मॉडल की गाड़ी खरीदता है और वो सोचता है कि मैं अपनी कार के अंदर आफ्टर मार्केट एलॉयज, आफ्टर मार्केट टायर्स या फिर टॉप मॉडल के एलॉयज को अपग्रेड करूंगा एक ना एक दिन, और वो मे भी करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो टॉप मॉडल की कार्स रखते हैं ये इश्यूज बहुत हद तक उन लोगों के साथ हुआ होगा। टायर चोरी हो जाते हैं, एलॉयज चोरी हो जाते हैं, एक ही बात कह सकते हो, क्योंकि जो कोई चोरी करता होगा वो दोनों को साथ ही लेके जाता है। काफी बार ऐसा रहता है कि लोगों की कार को ईंट पर लगाकर, जैक पर लगाकर, छोटे छोटे से गट्टे आते हैं उनके ऊपर लगाकर उनके एलॉयज को निकालकर गाड़ियों में भर भर के लोग ले जाते हैं। इंटरनेट पे मैं सर्फ कर रहा था, सर्फ करते करते मुझे मिली एक बहुत अच्छा ब्रांड। इस ब्रांड के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, क्या ब्रांड है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो ये ब्रांड है, ये कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी बनाता है। चाहे आपके पास ऑडी हो, जैगुआर हो, कोई सेंट्रो हो, मेरे जैसी कोई स्विफ्ट हो या कोई और भी कार हो। कुछ वक्त पहले जैसे कि मैंने लगाए थे अपनी कार के अंदर योकोहामा के E1 DB यानी डेसिबल टायर्स। अब मैं इन टायरों की ही कॉस्ट की बात करूं, ये टायर मेरे 30,000 के हैं। अगर मैं अपने व्हील्स की बात करूं, एलॉयज की बात करूं, मरे से मरे 15,000-20,000 रुपए के एलॉयज मेरे पुराने मिलेंगे मुझे, और नए की तरफ भी जाऊंगा तो वो 25 से लेके 30, 35, 70,000 लाख रुपए के एलॉयज हो सकते हैं आपकी कार के। यहां बात आती है हमारी कार के एलॉयज की। चार की बात करते हैं, 15, 50, 60 कुछ भी हो सकता है आपकी कार, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। जो बंदे अपनी कार से प्यार करते हैं उन पैसे खर्च करने की कोई लिमिट ही नहीं होती। जैसे कि हमारे साहिल भाई ने दिखाया आपको कि मैंने तो स्टार्टिंग में ही अपनी कार के अंदर एक लग नट्स को चेंज करवाया था, लेकिन ये लग नट्स के ऊपर भी मैं रिलाई नहीं कर सकता। ये ना उस क्वालिटी के हैं जो लंबे टर्म तक चल सके, और इवन इनकी जो गोटी आती है, ये थी मेरी फर्स्ट जो मेरा सेट लगवाया था मैंने, उसकी ये गोटी, ये आप देख सकते हो किस स्टील पर बनी हुई है या किस लोहे पर बनी हुई है, या मे बी तो ये मेरे को तो ये लोहा ही लग रहा है। यहाँ पर मैंने दूसरा खरीदा, और इसकी भी अगर गोटी की बात करूँ, खोलते खोलते काफी इसके ऊपर निशान आ चुके हैं, और इसको मैंने ज्यादा नहीं, एक या दो बार ही यूज किया था जब अपने एलॉयज खुलवाए थे तब। तो इससे मैं कोई सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये ऐसे जो सेफ्टी के नट्स बनते हैं, लोग 1% सोचते हैं कि अगर कोई चोर आएगा उसके पास ऐसी गोटी नहीं होगी, लेकिन ये गोटी आज की तारीख में बहुत इजी है। कोई भी इंसान बहुत इजीली इस गोटी को खरीद सकता है, एक सेट खरीद सकता है। इवन मैं अगर किसी पंचर की दुकान पे भी जाता हूँ, उसको मेरे से ये गोटी मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रैंडम गोटी है। लोग यूजली रखते हैं क्योंकि पता है लोग ऐसे करके एलॉयज अपने लगाते ही हैं, तो उनके पास मिलेगी मिलेगी। और यहाँ मैंने इसको लगाया और मैंने इसे खोलना है। पहली चीज ये होती है, इनको लगाने के बाद एक छोटा सा इशू जो आता है वो ये होता है, अगर 1% भी इसकी गोटी स्लिप हो गई, जैसे कि मेरी पुरानी वाली कहीं ना कहीं निशान पड़ने की वजह से स्लिप हुई है, ये वाला एरिया, ये फिर मैंने चालू कर दिया इसको यूज करना बड़े वाले को, तो मेरी कहीं ना कहीं ये गोटी स्लिप हुई थी, उसके बाद मैंने टाइम से अपना नया सेट लगवा लिया, फिर भी मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता अभी भी। बहुत ही बेसिक गोटी है, इनको कोई भी बना सकता है, कोई भी बहुत इजीली खोल भी सकता है। किसी को मेरे एलॉयज चुरा के ले जाने हो तो उसको जरूरत है बस इसकी, और एक ही दुकान में मिलने वाली एक रैंडम गोटी की, ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो ये 700-800 रुपए का आता है। कोई भी इसे बड़े इजिली खरीद भी सकता है, कोई भी रैंडमली कोई चोर भी होगा दुकान पे जाके बोलेगा मुझे एक गोटियों का सेट चाहिए, 16 नट मिलेंगे, ये गोटी मिलेगी। मेरे को मिला एक बहुत अच्छा ब्रांड जो बनाता है ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट जो एक्चुअली में आपकी कार का जो टायर है, एलॉयज है, उसको प्रोटेक्शन तो देगा
देगा ही देगा, लेकिन किसी भी सेंस में कोई चोर कहीं का भी हो, कितना ही अच्छा चोर हो, आपकी कार का जो एलॉय है वो खोल ही नहीं पाएगा। वो इन चार गोटियों को बड़ी इजीली खोल लेगा क्योंकि ये रैंडमली मार्केट में मिलती है। ये जो मैं आपके सामने आज खोल कर दिखा रहा हूँ या जो मैं जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ये वो नहीं खोल पाएगा। इजी तो बिल्कुल नहीं रहेगा अनलेस वो गैस कटिंग मशीन लाके इसको काट कूट ना दे। तो पहले इसे अनबॉक्स करते हैं फटाफट, फिर दिखाते हैं इसके अंदर क्या आ जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्यारे से बॉक्स के अंदर हमें चार चीजें मिलती हैं। ये एक कोड है दोस्तों 123BL21, और सेम ये जो कोड है ये कुछ इस तरीके से डिजाइन करके यहाँ पर लगा रखा है। इनकेस अगर मान लो मैंने कल को ये वाली अपनी गोटी खो भी दी और मुझे गोटी दोबारा चाहिए तो मुझे फराद इंडिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो मुझे 123BL21 की जो की है वो की दोबारा बना के दे देगी। तो चाबी खोने जैसा कोई इशू नहीं है। ये वाली चाबी मेरी खोती तो मैं कभी भी मार्केट में जाके किसी भी दुकान पर जाके ये गोटी बड़े इजिली खरीद सकता था, और अगर मैं खरीद सकता हूं तो कोई चोर भी खरीद सकता है। लेकिन आप यहां पे कंपैरिजन कर सकते हो, इस चाबी को बनाना और इस चाबी को बनाना दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये एक मेल है एक फीमेल है, इसको मैंने इस तरीके से कसने के लिए यूं लगाना है, और ये जो हमारा नट है इसको हम टाइट करते चले जाएंगे। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये वाला जो हमारा एरिया है ये पूरा का पूरा कार के अंदर लग जाएगा। और यहाँ की तरफ आप देख सकते हो ये जो एज है हमारी, ये कर्व है। दूसरे उस नट का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसकी जो एज है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके एलॉयज को डैमेज होने के। इसके अंदर वो इशू बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल आपके एलॉयज के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है और अंदर जाकर अपने आप को टाइट कर लेता है। चाबी दोबारा मिल जाएगी ओनली इफ यू बाय दिस। फराद इंडिया को ये ईमेल करना पड़ेगा, एक नई चाबी बनाने की जो पेमेंट है उसके रिलेशन में आपको करनी पड़ेगी, और बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी अपनी एक और नई चाबी आपके घर तक डिलीवर होकर। इसे एक लॉक सेट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास चार नट्स आते हैं, स्पेशली डिजाइन नट्स हैं ये। दिस इज नॉट अ जोक टू क्रैक, बच्चों का खेल नहीं है इस चाबी को बना के डिजाइन करके इसको खोल देना। स्विफ्ट की बात करूं उसके अंदर चार नट लगते हैं, और चार में से अगर एक में मैंने ये लगा रखा है और अगर उनमें से किसी तीन के अंदर मैंने ये वाली गोटी का सेट लगा रखा है जो रैंडम मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर ये लगा रखा है भले उसने तीन ये खोल लिए लेकिन चौथा ये खोलते खोलते वो उसकी हालत हो जाएगी टाइट, वो खोलेगा नहीं अपने एलॉय छोड़ के चला जाएगा। ये रहा हमारा स्पेशली डिजाइन कोड जो मैंने आपको दिखाया, किस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग के अंदर ये आता है वो भी मैंने आपको दिखाया। इसके साथ आती है एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा हुआ है। बिफोर प्लेसिंग द ओरिजिनल बोल्ट विद द एंटी थेफ्ट बोल्ट, कहने का मतलब ये आप तरीके से इसको सेट करोगे तो आप बहुत प्यार से इसे लगा सकते हो, ज्यादा आपको जेंटल रहना है बस इसके साथ इसकी प्लेसमेंट से पहले। और ये एक सिक्योरिटी बोल्ट है, रिप्लेस कर सकते हो आप नॉर्मल को इस सिक्योरिटी नट से या एंटी थेफ्ट नट से सही पोजीशन में। टॉर्क आपको कसना है, काफी सारे लोग हो सकते हैं जो टॉर्क के बारे में जानते नहीं हो। इस थ्रेड को लॉक करने के लिए M14 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको यूज करना है इसके ऊपर 160, जो कि बराबर है ऑलमोस्ट 16 किलोग्राम के। M16 यही इसके अंदर सारी दे रखी है, और लिखा हुआ है कीप द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर द की फॉर रेगुलर स्पेयर नट एंड बोल्ट। बहुत ही बेसिक फंडे के अंदर आपको इनको चेंज कर देना है। इसको तो मैं कर देता हूँ साइड। इसके अंदर पांच चीजें आती हैं, आपको सिंपली दोस्तों करना ये जो भी आपकी कार का पुराना नट है एग्जिस्टिंग बोल्ट है लगा हुआ, जो भी आपकी कार के अंदर पुराने लॉक सेट थे या गोटी थी या नट बोल सकते हो उसको हटाना है। द ओल्ड वन गोज आउट एंड द न्यू वन व्हिच इज राइट हियर गोज इन। स्विफ्ट के अंदर सवा नंबर लगता है, तो जो मेरी कार का एक्चुअली साइज है मैंने उसी साइज के अकॉर्डिंग इसको मंगवाया था। ये किया मैंने इसको यहाँ लॉक, और ये रही मेरी गोटी, किसी भी कार के साथ आपको मिलती ही होगी। ये किया मैंने इसको लॉक, ट्विस्ट किया और ये बाहर आ गया। कि जो भी कोई चोर अगर इसको कभी जिंदगी में चुराना भी चाहेगा तो ये नहीं कसी जाएगी, ये घूमेगी नहीं। ये जो चीज है मैंने लैंड रोवर के अंदर देखी थी, मैंने लैंड रोवर का टायर खोला था एक बार डिस्कवरी का, तो मैंने ये चीज उसके अंदर देखी थी, ये लॉक सिस्टम, ये वाला पूरा हिसाब किताब, तो मुझे अच्छा लगा था उसका। और सेम चीज मुझे फराद इंडिया ने बनाकर दिखा दी, ये सबसे अच्छी बात है। स्पेशली डिजाइन चाबी जिससे ये लॉक हुआ है, इसको ही लगाओगे तब जाकर ये लॉक और अनलॉक होगा। ये मैंने अभी आपके सामने इसको लॉक किया, अब मैं आप ही के सामने इसको दोबारा अनलॉक करके भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं नीचे गया, ये मैंने ट्विस्ट करा और ये अनलॉक करके वापस बाहर आ गया। मेरे पास यहाँ पे टॉर्क रेंच तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अब हम क्योंकि इंडियंस हैं और हम देसी जुगाड़ पर चलते हैं, हाथ के अंदाजे से ही इसको लॉक कर देंगे। चलो फटाफट कर देते हैं अपने बाकी इनको भी चेंज।
किया था दोस्तों मैंने लगा अपनी कार के अंदर और इशू आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगर आपको अपनी कार के लिए चाहिए हो तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं। अलग अलग तरीके के लॉक सेट अवेलेबल है। फराद इंडिया की वेबसाइट faradindia.com या फिर आप अमेजोन से खरीद सकते हो इस एक चीज को। फराद एक्चुअली में एक इटालियन बेस्ड कंपनी है। इसके बॉक्स पे भी आपको क्लियरली दिखी जाएगा मेड इन इटली फराद। ये है ISO सर्टिफाइड। सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी है इसकी, इसकी वेबसाइट faradindia.com पर जाकर चेक कर सकते हो। ये जो मैंने अपनी कार के अंदर लगाया ये था मेरा 1.25 का यानी सवा का स्टार लॉक। कोई भी स्विफ्ट हो उसके अंदर 1.25 का हमारा स्क्रू लगता है जो कि मैंने अपनी कार के लिए ऑब्वियसली खरीदा था। तो आप खरीदना चाहते हो आप भी खरीद सकते हो। तो आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग सेट सारे कुछ मिल ही जाएंगे। गोटी आपको ऑब्वियसली अपनी कार के अंदर मिल ही जाती है, जो आपकी कार की स्टॉक गोटी है उसी गोटी से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा अपनी कार को थेफ्ट प्रूफ बनाओ। आप लगा लेते हो एक 2-2 लाख रुपए के अलॉयज, लेकिन आप इस छोटी सी चीज के बारे में नहीं सोचते हो। जो लोग अपनी कार से ऑब्वियसली प्यार करते वो नहीं सोचेंगे इस चीज के ऊपर स्पेंड करने से पहले। इसका प्राइस समहाउ 2,900-2,700 रिलाय करता है आपके पास कार कौन सी है या कौन से वाले लॉक सेट आप ले रहे हो। अपनी पॉकेट और कार के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो चार में से कोई भी एक डिजाइन। चार डिजाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो यहाँ पर आपको मैं डिटेल्स के साथ बताई देता हूँ। पहला स्टार लॉक जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, दूसरा है गैलेक्सी लॉक, तीसरा सिंपली लॉक और चौथा है स्टील बुल। अपनी पॉकेट और कार के अकॉर्डिंग ये जो थोड़े बहुत प्राइजेस हैं वो रिलाय करते हैं। ज्यादा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा बाय क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप परचेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने लिए। अगर आपको परचेस करने में कोई और इशू हो तो faradindia.com की वेबसाइट पर जाकर भी आप सारी की सारी चीज अपनी कार के बारे में, कौन सी कार के अंदर कौन सा लगता है या इसके फायदे नुकसान क्या क्या है, क्या वारंटी मिलती है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको फ्लैश होता हुआ सब कुछ दिखाई रहूंगा। तो ये था दोस्तों जो कि मैंने आपको आज बताना था एंटी थेफ्ट लॉक के बारे में। आप बताना आप क्या कहते हो इस एक प्रोडक्ट के बारे में, कैसे लगा आपको ये प्रोडक्ट। मैं तो अपनी कार के अंदर लगा ही चुका हूँ, लगाकर मैंने आपको दिखाई दिया है। एक लंबे टाइम तक मैं इसे यूज करूंगा और उम्मीद है कि मेरे कार के अब टायर तो बहुत ज्यादा सेफ है। बताना दोस्तों करते हैं इस वीडियो का ये एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चेकआउट करना मत भूलना faradindia.com। कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं।